Hello guys, I'm your maths teacher, Mr. Manoj Sir, and this is your book, Maths Today. आज हम आपकी एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? बेसिकली जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन कुछ इस तरह थे, the value of 4 minus 5x when x equals to minus 2. यहाँ पर हमें x की वैल्यू दे रही है और हमें जो फंक्शन है हमारे पास उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहले देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन है हमारे पास 1 और 4 माइनस 5 एक्स, ये हमारे पास की फंक्शन है और x इक्वल टू माइनस। तो हम इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है आपके पास कि जो हमारे पास फंक्शन है, इस फंक्शन में हम x के बेस पर माइनस 2 रखेंगे। तो इस वैल्यूज को रखने से पहले थोड़ी बेसिक चीजें देख लेते हैं। अगर 5 प्लस x लिखा है, इट मींस सम वैल्यूज को आप कर लेंगे, बाद में सम कर लेंगे। 5 माइनस x लिखा है, इट मींस सब्ट्रैक्शन है। फाइव एक्स लिखा है, इट मींस मल्टीप्लीकेशन। फाइव का x के साथ मल्टीप्लीकेशन और 5 डिवाइडेड बाय x लिखा है, इट मींस डिवीजन होगा। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये बस x के साथ है, 5 प्लस x सम है, 5 माइनस x सब्ट्रैक्शन है, 5 x मल्टीप्लीकेशन और 5 को x से डिवीजन। तो हम जरा इसकी क्लास सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा क्या फंक्शन लगता है। देखो 4 माइनस 5 4 माइनस 5 5 एक्स मतलब मल्टीप्लीकेशन। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 2 10 कितना हो गई? 40। हमारे पास जो वैल्यू आई इस फंक्शन की वो आई है 40। एक चीज और ध्यान रखना, सेम साइन की मल्टीप्लाई है। सबसे पहले हम साइन की मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद होता है नंबर की मल्टीप्लाई। साइन की मल्टीप्लाई देन नंबर की मल्टीप्लाई। यहां पर ब्रैकेट लगा दो आपका, माइनस इंटू माइनस, क्या आएगा साइन? माइनस इंटू माइनस आएगा हमारे पास प्लस। ओके प्लस। अब एक बार और देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। यहाँ x 3 के साथ है तो मल्टीप्लाई होगी, यहाँ 4y के साथ है तो y की मल्टीप्लाई होगी। अब देखते हैं x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 2। दोनों वैल्यू 3 ब्रैकेट ब्रैकेट लगाएंगे हमेशा। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू, x की वैल्यू हमारे पास 5 माइनस 4 ब्रैकेट y की वैल्यू भी 3 2 ऊपर क्या है स्क्वायर। तो पहले हम स्क्वायर को लेंगे देन उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो 5 स्क्वायर का मीन्स हो गया हमारे पास 5 स्क्वायर का मीन्स होता है 5 मल्टीप्लाई 5 कितना है 25। 3 मल्टीप्लाई 25 माइनस 4 ऐसे भी इसको भी करेंगे। टू का स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई 4 मीन्स 4 यहाँ 75 25 माइनस 4 4 जब 6
minus 6. 9, 6 minus 1, 5. Is the result. क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं हमारे पास क्या है. क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास. ए पार्ट है 2x² - 3x + 5 और इस पर है x = -1. तो वैल्यूज रखते हैं 2 ब्रैकेट स्क्वायर कितना रखना है -1 - 3 ब्रैकेट - 1 और प्लस का 5. तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे. -1 का जो स्क्वायर होता है वो होता है +1. ओके तो 2 × 1 माइनस प्लस 3 × 1 प्लस 1 2 × 2 3 × 3 ये हो गया 5. 2 + 3 + 5 ये हो गया हमारे पास 10. एक्स एक पार्ट को देख लेते हैं. सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वैल्यूज पुट की, स्क्वायर को ले साइन की मल्टीप्लाई की, अंदर जो हमारे पास वैल्यूज है उनका प्लस. आज की वीडियोस के लिए इतना ही. थैंक यू.